मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पहाड़ी इलेक्ट्रिशियन, दिस इज रजत चौहान। दोस्तों आज हम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 771 कोड के पेपर सॉल्व करेंगे और इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, खुद देखो आप कि कितना हार्ड पेपर आ रहा है, बिल्कुल जे लेवल का पेपर पूछ रहे हैं। तो आइए, क्यों टाइम वेस्ट करना, इस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन केस ऑफ। तो ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, डोमेस्टिक वायरिंग एंड सर्विस में। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन। कोरोना कोरोना बोनी यार, जो चीन से आया था ये कोरोना बहुत ही खतरनाक होता है, पूरे वर्ल्ड में फैला है, पूरे वर्ल्ड में फैला है। हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में फैला है, पर ये फैला है ट्रांसमिशन लाइन में। ये ट्रांसमिशन लाइन में होता है और मैक्सिमम तब होता है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बरसात के मौसम में। और इसको देखने के लिए चले जाना ट्रांसमिशन लाइन के पास, खड़े हो जाना और देखना ऊपर की तरफ, तो एक रिंग होता है बकार का, वायलेट कलर का, उसे बोलते हैं कोरोना। और ये मतलब ट्रांसमिशन वायर को बहुत ही इफेक्ट करता है और इससे ओजोन गैस उत्पन्न होती है, तो मतलब बहुत ही डेंजर है यार। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, होलो कंडक्टर होगा यहाँ पे, आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन टू रिड्यूस वेट ऑफ कॉपर, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, रिड्यूस कोरोना, डी इंक्रीज पावर कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज पावर कैपेसिटी। होलो कनेक्टर इसलिए यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, मतलब पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वंडल कंडक्टर आर यूज टू। तो ऑप्शन है ए रिड्यूस इंडक्टेंस ऑफ लाइन एंड कैपेसिटेंस, रिड्यूस बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रिड्यूस कोरोना लॉस, रिड्यूस कोरोना लॉस एंड लाइन इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ए रिड्यूस इंडक्टेंस ऑफ लाइन। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस क्या है भाई, रेजिस्टिव हो गया, कैपेसिटिव हो गया और इंडक्टेंस हो गया, इन पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विद इंक्रीज इट्स लेंथ। अगर ट्रांसमिशन की कैपेसिटेंस बढ़ती है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन टू रिड्यूस ए लाइन लॉस, कैपेसिटिव इफेक्ट, डिस्टरबेंस टू नियर बाई कम्युनिकेशन सर्किट, डी इफेक्ट ऑफ सर्ज वोल्टेज इंड्यूस ऑन द लाइन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है। देख लो भाई, आईटीआई में भी कितना हार्ड पेपर आ रहा है, तो भाई तैयारी ढंग से करो। ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज ए बिकॉज ऑफ, मतलब नो लोड कंडीशन में करंट जो ट्रांसमिशन लाइन में क्यों होगा, क्योंकि कैपेसिटी इफेक्ट के कारण, कोरोना इफेक्ट के कारण, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यानी समीपता का प्रभाव, बैक फ्लो फ्रॉम अर्थ। तो उसका राइट आंसर होगा कैपेसिटिव इफेक्ट, ये होगा उसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में चार्ज करंट क्या है, रिड्यूस द लाइन लॉस, इंक्रीज द लाइन लॉस, विल नॉट इफेक्ट द लाइन लॉस, क्या लाइन लॉस को रिड्यूस करता है, कम काम करता है, लाइन लॉस को बढ़ाता है या अफेक्ट लाइन में अफेक्ट नहीं करता, अनप्रिडिकेबल, ये कुछ नहीं कह सकते। तो उसका राइट आंसर होगा डी, कुछ नहीं कह सकते यार हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिनोमिना ऑफ राइज इन द रिसीविंग एंड वोल्टेज, अंतिम वोल्टेज को रिसीव कर रहा है, ऑफ द ओपन सर्किट, ओपन सर्किट को और लाइटली लोड लाइन इज कॉल्ड, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट, फ्रंट इफेक्ट, सी वेक इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, फ्रंट इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, समीपता का प्रभाव। समीपता का प्रभाव जब होता है, ये भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है, जब आपको तो पता है यार ट्रांसमिशन लाइन में 3 या 5 तारें यूज की जाती है और 2 तारें ऐसी होती है बीच में, उनमें मतलब विपरीत करंट चला होता है, इसे जब वो एक दूसरे को अपोज करते हैं तो मैं उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो उसको कहते हैं हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। बहुत बड़ा चैप्टर है यार, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रंट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्स्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस इन इट्स। ऑप्शन है ए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस,
और ये सारे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडर आर नथिंग, फीडर कुछ नहीं बट लेकिन ओवर हेड कंडक्टर कैरी ओवर पुल्स अंडरग्राउंड आर्मर्ड केबल या बोथ डन, ये मतलब नन, ये कुछ नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। आपको था फीडर तो मतलब ओवरहेड लाइन में भी यूज़ किए जाते हैं और अंडरग्राउंड के केबल में भी यूज़ किए जाते हैं, और ये जनरेटिंग स्टेशन से आगे लगाए जाते हैं, यहाँ पे बिजली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, तो इसका राइट आंसर होगा रिंगमेन विधि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड ऑन थ्री फेस फोर वायर डिस्ट्रीब्यूशन आर यूजली यूजली होगा यहाँ पे, तो इसका होगा अनबैलेंस्ड होता है, अनबैलेंस लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आर नोन एज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आर नोन एज या रिएक्टर, फीडर्स, सब ट्रांसमिशन लाइन या नन ऑफ दिस, तो फीडर अभी तो जिक्र किया है, फीडर ही तो है, प्राइमरी फीडर से जाती है आगे, फिर ट्रांसमिट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। कंड्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट पाइप इज जनरली एम्प्लॉय फॉर कंडक्शन, कंड्यूट पाइप आमतौर पर कहाँ नियुक्त की जाती है, कि किस, आंसर होगा ए, अनसीथेड केबल के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल बिकॉज, अभी क्वेश्चन पढ़ा, क्यों इतनी विश्वसनीय है, क्योंकि मोर प्रोटेक्टेड डिवाइस यूज टू और मोर सोर्स सप्लाई, सी हायर साइज ऑफ कनेक्टर यूज या हायर लोड करंट, तो इसका राइट आंसर होगा दो या दो से ज़्यादा सोर्स सप्लाई यूज़ कर सकते हैं हम, इसका टू और मोर सप्लाई सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर शीट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज कॉपर स्टील लेड, तो आपको तो पता है कौन सा किया जाता है, लेड किया जाता है, लेड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि नमी को रोकता है और बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए यूज़ किया जाता है लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेडिंग ऑन ए केबल कंसिस्ट ऑफ जूट स्ट्रैंड्स, एशियन टेप, पेपर टेप, कंपाउंडेड या एनी ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर होगा एनी ऑफ दिस, ये सभी चीज़ें अंडरग्राउंड केबल में यूज की जाती हैं। द मटेरियल यूज फॉर आर्मरिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज गलवेजिंग स्टील वायर, स्टील टेप, सी एल्यूमिनियम, आइदर ए और बी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, गलवेजिंग स्टील वायर भी होगा और स्टील टेप भी होगा, ये प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि आपको पता है केबल जमीन के अंदर दबाई जाती है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, कितना वेट होता है, तभी तो ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आप दो तो तारे होते हैं, एक फेज और न्यूट्रल, वो तो सस्ती पड़ती हैं, पर बाहर में जो लेयर बाय लेयर जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं ना, वो बहुत महंगी पड़ती हैं, और ये ओवर हेड लाइन से ज़्यादा महंगी होती है अंडरग्राउंड केबल, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द अंडरग्राउंड केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसका राइट बहुत ही सिंपल है यार, आर्मी की करता है प्रोटेक्ट, सबसे ऊपर लगाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ कनेक्टर यूज इन पावर केबल डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, पावर फैक्टर या करंट टू बी कैरी, जो करंट कैरी कर रहा है, तो इसका सी होगा, सी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर ए पार्टिकुलर पावर, वो विशेष पावर लेने के लिए द करंट रन बाई द सर्किट इज मिनिमम वेन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, और करंट कम हो रहा है, मान लो करंट आपका ये चल रहा है कम है बाय द ट्रांस सर्किट इज मिनिमम, तो वेन द वैल्यू ऑफ पावर, तो वोल्टेज भी कम होगी, और वो वोल्टेज क्या होगी, इन फेज करेगी ऐसे, करेगी ऐसे, तो इन फेज ही कब होते हैं, रेजिस्टेंस लोड में, यानी रेजिस्टिव लोड में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूनिटी, उसमें यूनिटी ही होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ किलोवाट फ्रॉम टोटल केवी इक्वल द केवियर ए आर व्हेन द पावर फैक्टर इज, भाई नीचे आ गया क्वेश्चन देख लेना, तो उसका राइट आंसर होगा आपका, इसका भी यूनिटी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट, कोई भी सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट होती है तो लीडिंग पावर फैक्टर पे होती है, याद रखना, लीडिंग मतलब करंट पहले भाग जाता है, वोल्टेज बाद में आती है, ए ऐसे होता है, लीडिंग पावर फैक्टर को मैं बना देता हूँ, ऐसे होता है, ऐसे एक करंट पहले भागी, वोल्ट पीछे दे आदि राम माने, ऐसे होता है वोल्टेज करंट, ऐसे याद रख लेना भाई, इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द जनरेटर स्टेशन,
नियर द ट्रांसफॉर्मर, तो इसका राइट आंसर होगा सी, नियर द अपरेटस, वहाँ ही पावर फैक्टर वाले वाली इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो गए सीटी, उसके बगल में ही यूज़ किए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंक्रोनस मशीन कैन ऑपरेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली एज जनरेटर, ओनली एज मोटर, बोथ होगा यार, बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज, तो आपको तो पता है अल्टरनेटर ही है एक चीज़ है जिसमें मतलब आर्मेचर स्थिर होता है और फील्ड वाइंडिंग जो होती है घूमने वाली होती है, तो इसका होगा ए सिस्टम। साइज, द स्टेटर लोड इंसुलेशन इन सिंक्रोनस मशीन कौन सा किया जाता है यूज, तो इनमें से मेड अप ऑफ आई माइका क्लॉथ, फाइबर ग्लास, पॉलिस्टर सीट्स, इसमें होगा एनी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मशीन दैट सप्लाई डीसी टू द रोटर इज कॉल्ड रेक्टिफायर, एक्साइटर, कन्वर्टर, इन्वर्टर, तो इसका राइट आंसर है एक्साइटर, एक्साइटर, एक्साइटर किया जाता है यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिव ड्राइवन बाई स्टीम टर्बाइन इज नोन एज, देखो कितने कितने, टर्बो जनरेटर, हाइड्रो जनरेटर, स्टीम जनरेटर या पावर जनरेटर, तो इसका राइट आंसर है आपका टर्बो जनरेटर। द रोटर प्रेफर्ड फॉर लो स्पीड हाइड्रो जनरेटर इज, क्वेश्चन ऊपर आ गया, तो होगा स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर, सेलेंट पोल रोटर या स्क्विरल केज रोटर, तो इसका राइट आंसर होगा सेलेंट पोल रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग इन एसी मशीन ऑलवेज क्लोज्ड वन इज वन, ऑलवेज ओपन वन, मे बी आइदर क्लोज्ड वन गिविंग डेल्टा कनेक्शन और ओपन वन गिविंग स्टार कनेक्शन, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लोड इज थ्रोन ऑफ द टर्मिनल वोल्ट, जब लोड को फेंका जाता है टर्मिनल वोल्टेज पर, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और वो लोड होगा आपका इंडक्टिव, याद रखना, बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाइंग रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देख लो भाई अल्टरनेटर से कितना क्वेश्चन आ गए, एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ गए। डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, एलिमिनेटिंग हंटिंग ऑफ रोटर, देख लो ए भी लग रहा है सी भी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, हंटिंग को कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मोटर कॉजेज, और पांचवा हार्मोनिक्स इंडक्शन मोटर में प्रेजेंट हो जाए तो क्या होगा, तो मोटर रिवर्स मारेगा टॉर्क, एल है स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉलिंग अक्कर इन इंडक्शन मोटर ड्यू टू, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्या होता है, मतलब रुक रुक के चलना, मतलब रुक रुक के और साउंड करना घूम, ऐसे साउंड करती है, तो उसका राइट आंसर होगा हार्मोनिक डेवलप इन मोटर बी। 37, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, किससे याद, किसका इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी, डी याद रख लेना। नेक्स्ट, व्हेन ए मोटर स्पीड ऑफ 5000 आरपीएम इज रिक्वायर्ड विच विल यू सेलेक्ट, ये तो आपको पता है यार, यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन होगा इसका, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इन एसी सीरीज मोटर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज टू बी, एसी सीरीज मोटर यानी डीसी मोटर है, रिड्यूस स्पार्किंग एट द ब्रश, रिड्यूस हिटिंग ऑफ आर्मेचर, इंक्रीज द टॉर्क, मिनिमाइज वाइब्रेशन, तो क्या होगा इसका आंसर, एसी सीरीज मोटर में क्या पर्पस है, प्रोवाइड कंपनसेटिंग वाइंडिंग, स्पार्किंग को कम करने के लिए यूज की जाती है ब्रशेस पे, स्पार्किंग को कम करने के लिए, तो उसका राइट आंसर होगा ए। इफ ए सिंगल फेज मोटर रन स्लो, अगर स्लो चलिए द प्रोबेबल केस में भी, तो क्या होगा, तो उसका राइट आंसर है ये होगा, ए रिपल्सर मोटर इज इक्विप्ड विद स्लिप रिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कंप्यूटर एंड ब्रशेस, ये एक ऐसी मोटर, रिपल्सर मोटर मतलब इंडक्शन मोटर जिसमें कम्यूटेटर एंड रिवर्स यूज किए जाते हैं, इसका सी होगा, याद रख लेना। इन पीएम स्टेपर मोटर द रोटर इज मेड ऑफ, स्टेपर मोटर पहली बार पढ़ा भाई मैंने, स्टेपर मोटर हमारे आईटीआई सिलेबस में नहीं है ये, तो इसका राइट आंसर होगा सी, और स्टेपर मोटर आपको पता है वहाँ यूज की जाती है जैसे रोबोटिक्स हो गए, बड़ी बड़ी घड़ी हो गई, क्योंकि ये रुक रुक के चलती है
और ये टॉर्क को पकड़ पकड़ के चलती है, बिल्कुल रुक रुक के चलती है ये मोटर, और स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका होगा सी, परमानेंट मैग्नेट हैविंग इवन नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द इनपुट टू द स्टेपर मोटर इज इन द फॉर्म ऑफ, अभी बात की तो इसको होगा इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिक पल्स। 45, द ड्राइव कप रोटरी इज एम्प्लॉय इन ए टू फेस इंडक्शन मोटर इज टू बी लो इनर्सिया। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, देख लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना भी सिंपल नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस लग रहे हैं चार्ज पार्टिकल, तो इसका राइट आंसर होगा ए इलेक्ट्रॉन्स। इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, इसमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको तो पता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बी इज इक्वल टू आई आर ए, तो इसका होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट के लिए वैक्यूम क्लीनर नहीं आते हैं, वैक्यूम कभी नहीं करते यूज़। हिस्टीरियस लॉस इन डीसी मशीन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक रिवर्स वैल्यूम एंड ग्रेड आयरन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी। तो देखो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो 777 कोड में आए थे, और देख लो कितना हार्ड पेपर आ रहा है, बिल्कुल पोलटेक लेवल का आ रहा है पेपर, जे लेवल का पेपर आ रहा है। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।